सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सतीश अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो कैसे हो आप लोग? ठीक हो? क्वारंटाइन पीरियड में खाओ, डाइट फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, यही मैं बोलूँगा आपको। तो ज़्यादा ना बात करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मेरा टॉपिक डिस्कस करने से पहले, तो स्टार्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले बॉडी का जो फंक्शन है, होल बॉडी का फंक्शन है, वो फंक्शन करने के लिए, बॉडी प्रॉपर फंक्शन करने के लिए पांच चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट है प्रोटीन, सेकंड है फैट्स, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ है वाइटामिन्स एंड फिफ्थ है मिनरल। सो ये पांचों चीज़ आके फिर बॉडी फंक्शन करता है। सो यही पांच चीज़ों में से मैं एक चीज़ आज उठाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही डिस्कस टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है यंग जनरेशन में, जो कि है प्रोटीन। सो यस, आज मैं प्रोटीन के बारे में बात करूँगा। आज आपको मैं बताऊँगा प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, फिर प्रोटीन आपको क्यों लेना चाहिए, फिर प्रोटीन किसको कितना लेना चाहिए, कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि किसको कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन दो टाइप में क्लासिफाइड है। एक है फर्स्ट क्लास प्रोटीन, दूसरा है सेकंड क्लास प्रोटीन। अब फर्स्ट क्लास प्रोटीन में क्या क्या आता है, पहले वो बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास प्रोटीन में आपका एग आता है, चिकन आता है, मटन आता है, फिश आता है, पनीर आता है। सेकंड क्लास प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन आता है? सेकंड क्लास प्रोटीन में आता है आपके दाल और पल्सेस। सो जैसे कि मूंग हो गया, मटकी हो गया, मसूर हो गया, फिर इसके बाद चना हो गया, मटर हो गया, फिर उसके बाद आपके किडनी बीन्स हो गए, राजमा हो गए। सो ये सारे आते हैं सेकंड क्लास प्रोटीन। अब मेरा कोई ये नहीं है कि आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, सिर्फ मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज फॉलो करता हूँ, मैं नॉन वेज प्रोटीन लेता हूँ। सो मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बताऊँगा वेज और नॉन वेज में, वेज प्रोटीन में नॉन वेज प्रोटीन में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन में सबसे पहले तो बात कर लेते, चलो एक एग्जांपल लेते, एग। एक होल एग में 6.5 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप पूरा एग खाओगे तो 6.5 ग्राम प्रोटीन होता है और 6.5 ग्राम फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट उसमें नहीं होता। फर्स्ट क्लास प्रोटीन खाने का एक बेनिफिट, आपको प्लस बेनिफिट है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ना के बराबर होता है, प्रोटीन ही खाली होता है। प्रोटीन फाइबर से और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रोटीन के बारे में बात करें तो हम सिर्फ उसमें प्रोटीन होता है। अब आते हैं सेकंड क्लास प्रोटीन में। सेकंड क्लास प्रोटीन में अगर आप एक कटोरी दाल लेते हो, कोई भी दाल जो आपके घर पे बनती है, चना, मटर, मूंग, मटकी, जो भी दाल बनती है, एक कप अगर आप, एक कटोरी आप दाल लेते हो, उसमें 15 ग्राम ऑफ दाल होता है। 15 ग्राम में आपको 9.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3.5 ग्राम प्रोटीन एंड 0.5 ग्राम फैट्स। सो आप देख रहे हो सेकंड क्लास प्रोटीन में जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिल रहा है। सो कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए हमको, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप दाल खा रहे हो एज एन प्रोटीन सोर्स, तो ऑलरेडी आप राइस और चपाती लेके बैठे हो, जो एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। तो फिर वापस दाल को एज एन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेके बैठे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा प्रेफरेंस, ये पर्सनल व्यू है, कि आप फर्स्ट क्लास प्रोटीन ये प्रिफर करें, क्योंकि फर्स्ट क्लास प्रोटीन आप उस फर्स्ट क्लास प्रोटीन में पूरे अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड 20 20 अमीनो एसिड होते हैं, कोई भी मिसिंग नहीं होता, वो प्रॉपर होता है आपका मसल को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अभी आप वेज हो नॉन वेज हो डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू वांट टू टेक, इट्स योर चॉइस, इट्स योर कॉल। ठीक है, अभी सेकेंड स्टेप पे आते हैं। अब सेकेंड स्टेप ये है कि प्रोटीन खाने से होता क्या है। बहुत लोग यार सोचते हैं यार प्रोटीन 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 खाने से होता क्या है। पहला इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोटीन खाने से आपका बॉडी स्ट्रक्चर है ना, बॉडी स्ट्रक्चर ठीक होता है। जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करने के बाद हर एक ह्यूमन बींग का एक्सरसाइज करने का तो एक ही मोटिव होता है, मसल गेन करना। फीमेल क्या होता है, फैट लॉस करना। तो फैट लूज करना और मसल गेन करना, ये प्रोटीन का ही काम है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने बॉडी एक्सरसाइज की, आपने अपने मसल्स को तोड़ा, उसको तोड़ दिया, हाइपरट्रॉफी किया, सॉरी हाइपरट्रॉफी नहीं, उसको तोड़ दिया, उसको माइक्रो ट्रॉमा किया, फिर उसको रिपेयर होने के लिए उसको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके से अगर ऊपर, अगर आपको ब्लेड से अगर इधर कट जाए, ठीक
ठीक है। उसको ठीक करने के लिए ऑइंटमेंट लगाना पड़ता है और आपको मेडिसिन खाना पड़ता है, तब जाके वो घाव आपका ठीक होता है। उसी तरीके से जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको अंदर मसल्स में चोट लगता है, उसको रिपेयर करने के लिए आप कोई दवे नहीं खा सकते, ओके। आपको प्रोटीन खाना पड़ता है जिसकी वजह से वो रिपेयर होता है। जिस तरीके से हम एक्सरसाइज करते हैं तो पेन होता है, मतलब वो मसल्स को चोट लगी है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हम प्रोटीन लेते हैं, ओके। फर्स्ट बेनिफिट था कि आपका बॉडी पॉस्चर है ठीक करता है। अगर मसल बढ़ेगा तो आप मस्कुलर दिखोगे, आपका बॉडी पॉस्चर अच्छा दिखेगा। अगर कोई फीमेल है, अगर वो मसल बढ़ाएगी तो जितना मसल बढ़ना है वो बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू मेल, लेकिन वो फैट जो है फैट की जगह वो मसल लेगा, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली फैट कम होगा, क्योंकि मसल इज़ दी हाईली मेटाबॉलिक टिश्यू। उसको चलने के लिए बहुत सारे कैलोरीज चाहिए होते हैं, एनर्जी चाहिए होते हैं, इसलिए मसल मास बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, रिपेयर एंड ग्रोथ। अगर आपका हाइपरट्रॉफी माइक्रो ट्रॉमा हो रहा है, उसके बाद वो रिपेयर होएगा और ग्रोथ होएगा, ठीक है। सेकेंड सॉरी थर्ड, जैसे कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं शरीर में, ठीक है, जैसे कि एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन विच आर टेस्टोस्ट्रॉन इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। ये सेक्स हार्मोन को छोड़ के बाकी जितने भी हार्मोन है, थायराइड हार्मोन हो गया, फिर इंसुलिन हार्मोन हो गया, ये सारे प्रोटीन से बनते हैं, ओके। फिर उसके बाद है फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब हम ये मसल, समझ लो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने इसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये बाइसेप का मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करने का काम भी प्रोटीन करता है, क्योंकि मसल के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो वो करता है, ओके। फिर इसके बाद आपको एनर्जी देता है प्रोटीन। अगर आपका एनर्जी लेवल कम है, अगर आप लो कार्ब डाइट पे हो, तो प्रोटीन एक एनर्जी सोर्स का काम करता है। फिर उसके बाद आता है इम्यूनिटी, आपका जो इम्यून सिस्टम है, जिस तरीके से अभी कोरोना के टाइम पे सबको मतलब सबको समझ में आ रहा है इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो इम्यून सिस्टम ऐसा एक तरीके का बॉडी में फंक्शन है जो बॉडी को फाइट करने के लिए तैयार करता है। अगर कोई जर्म्स आपको अटैक करता है, सर्दी खांसी बुखार वगैरह फ्लू वगैरह कुछ अटैक करता है, तो वो बॉडी उसको रोकता है, फाइट करता है, या तो फिर अगर आपको कुछ हो चुका है तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए वो इम्यून सिस्टम काम करता है। तो ये सारे हो गए बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन। अभी सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजन ये है कि यार किसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। अभी मैं सिंपल बताता हूँ आपको, ठीक है, सिंपल है दैट। बहुत सारे अलग अलग ट्रेनर आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल है दैट बताता हूँ। जो ऑफिस जाता है, जो वर्कआउट नहीं करता है, ठीक है, जो वर्कआउट नहीं करता है, उसको 0.5 ग्राम प्रोटीन इंटू देयर बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल 0.5 ग्राम इंटू 50, अगर बॉडी वेट है किसी का, तो 0.5 ग्राम इंटू 50, ओके। फिर जिसने नया जिम में एडमिशन ज्वाइन किया है, जिसने नया जिम में एडमिशन लिया है, बिगनर जिसको बोलते हैं, उसका जो प्रोटीन इंटेक रहेगा वो है 0.8 ग्राम इंटू बॉडी वेट। ये आप करके देख लेना, आप जो लेवल पे हो वो। उसके बाद आता है बिगनर, क्या आता है इंटरमीडिएट। बिगनर 2 महीना चलता है, दो टू टू एंड हाफ मंथ चलते हैं बिगनर। फिर क्या आता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का रिक्वायरमेंट रहेगा 1.2 ग्राम टू 1.5 ग्राम इंटू देयर बॉडी वेट, ओके। तो बिगनर हो गया, इंटरमीडिएट भी 2 से 2.5 महीना चलता है, फिर आता है एडवांस लेवल। तो बिगनर और इंटरमीडिएट टोटल मिला के 6 महीना हो जाना होता है, अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है, या वो प्रॉपर जिम प्रॉपरली आ रहा है, उसने प्रॉपर ट्रेनर से पूछ के अपना फॉर्म टेक्निक सब सही किया है, वो 6 महीने बाद एडवांस एडवांस लेवल पे पहुंचता है। तो एडवांस लेवल वालों को जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है वो 2 ग्राम टू टू 2.5 ग्राम इंटू देयर बॉडी वेट, ये होता है एडवांस। अब सुपर एडवांस लेवल पे बात करें, सुपर एडवांस लेवल 3 ग्राम और मोर इंटू देयर बॉडी वेट, ओके। ये क्लासिफिकेशन मैंने डाला है, मैं कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दूंगा ये थोड़ा क्लासिफिकेशन वगैरह लिख के, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं है। अभी जिस तरीके से प्रोटीन का
क्या इम्पोर्टेंस है मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी कंफ्यूज होना नहीं है यार कि प्रोटीन लेना है कि नहीं लेना है। अभी सेकंड चीज़ है कि हम प्रोटीन तो बोल दिए, तो सबसे पहले दिमाग में आता है वे प्रोटीन। सो वे प्रोटीन ये सप्लीमेंट्स टैग में आता है, मैं सप्लीमेंट्स टैग का अलग वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ मेरा एक दिमाग में से आपको एक चीज़ क्लियर करवाना था कि प्रोटीन होता क्या है। तो प्रोटीन प्रोटीन क्या काम करता है मैंने आपको बता दिया, किसको कितना प्रोटीन लेना चाहिए मैंने आपको बता दिया। अभी चल रहा है क्वारंटाइन, ओके, सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए क्वारंटाइन पीरियड है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से 0.5 ग्राम टू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इनटू योर बॉडी वेट आप लो, बस हो गया। ओके, सो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करता हूँ, आई एंड माई वीडियो ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोटीन और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर डाइट, इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी टू मेक योर डाइट, टू फॉलो एनी टाइप ऑफ शेड्यूल एंड ऑल, सो प्लीज़ लेट मी नो, ओके, आई हेल्प यू आउट। कमेंट करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इंस्टाग्राम पे, मैं डाल देता हूँ ये सब वीडियोस, आप इंस्टाग्राम पे मेरे को कमेंट कर दो, ये मेरे को मेल ड्रॉप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके आंसर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ये सब कॉस्ट वॉस्ट पैसे वैसे बाद में, सब कुछ नहीं है फिलहाल, फिलहाल तो आप अपना सेहत देखो। ओके, सो टिल देन मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम न्यू टॉपिक, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।